हे गाइस, माय नेम इज वीरेन सिंह, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले एंजाइम काइनेटिक्स के हैक्स के बारे में, जो कि एंजाइम काइनेटिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आर यू रेडी? सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं DBT, ICMR, GAT B, GATE ऐसे एग्ज़ाम्स की, तो ई लर्नम आपके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म में से एक है। कई सारे फ्री कोर्सेज ई लर्नम पे चल रहे हैं, जिसमें से ICMR का कोर्स ऑलरेडी रनिंग है। अभी इंस्टॉल करिए ई लर्नम के ऐप को प्ले स्टोर से और जुड़ जाइए हमारे साथ ई लर्नम के ऐप पे, और देखिए कई सारी फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस वहाँ पे, और बूस्ट करिए अपने प्रिपरेशन को, जिससे आप अपने एग्ज़ाम को ईजिली एंड कॉन्फिडेंटली क्रैक कर सकते हैं। सो जुड़िए एंड इंस्टॉल द ई लर्नम ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड वॉच द क्लासेस फॉर फ्री ऑन ई लर्नम ऐप, एंड द पेड कोर्सेज आर ऑल्सो देयर्स। तो जुड़िए फटाफट अभी राइट नाइक से, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो एंजाइम काइनेटिक्स का एक हैक, जिसपे कई बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं भी आपने ये चीज़ नहीं सीखी होगी इस तरीके से। तो उसी चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। कई बार क्वेश्चंस आपके पास एक माइकलिस मेंसन काइनेटिक्स का एक इक्वेशन होता है, जो आपने पढ़ा होगा, दैट वी इज इक्वल टू लाइक ध्यान दीजिएगा कि वी इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस के एम प्लस एस। ये एक काइनेटिक्स का फॉर्मूला है, जिसको कि ब्रिक्स एंड हल्डाने ने दिया था अल्टीमेटली, और हम माइकलिस मेंसन इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस इक्वेशन में कई बार आपको सबस्ट्रेट दिया जाता है कि के एम के टर्म में कि क्या है सबस्ट्रेट, मान लो 1/2 के एम या समथिंग लाइक दैट, और वी की वैल्यू वी मैक्स के टर्म में पूछी जाती है, ये पूछा जाता है, या आपको वेलोसिटी वी मैक्स के टर्म में दे देगा 1/3, 1/4, 3/4 इसके टर्म में दे देगा वी मैक्स के टर्म में, और सबस्ट्रेट पूछ देगा के एम के टर्म में, राइट। ये कई बार क्वेश्चन इंसान जो होते हैं वो गलत कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो विद इन सेकेंड्स का तरीका लेके आया हूँ मैं, चलिए शुरू करते हैं कि आखिर वो ट्रिक है क्या। सो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिएगा, दैट अगर आपके पास क्या दिया हुआ है कि अगर आपके पास वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है ना, क्या बोला मैंने कि हियर दैट इज, अगर नॉर्मली आपके पास सबस्ट्रेट दिया हुआ है KM के टर्म में, KM के टर्म में एक ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर, ये टर्म है कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट विल बी 1/2 KM या 3/4 KM या 4/5 KM या 6/7 KM, ऐसे वैल्यूज़ दी गई हों, जहाँ पे N जो है वो है आपका न्यूमरेटर, N क्या है वो है न्यूमरेटर, और D क्या है वो है डिनोमिनेटर, ये है आपका तरीका। नाउ दूसरा ध्यान दीजिएगा कि अगर सबस्ट्रेट KM के टर्म में दिया गया है, तो आपकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी N D प्लस N इंटू वी मैक्स। क्या मैंने बोला है, ये देखिएगा कि अगर सबस्ट्रेट आपके इस N बाई डी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में दिया गया हो, तो आपका वेलोसिटी जो है ऊपर तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर दोनों आ जाएगा, तो यानी ऊपर वाले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से प्लस कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए कि ये इस पर्टिकुलर वैल्यू में न्यूमरेटर की वैल्यू 1 है, डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 है, इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू 3 है, डिनोमिनेटर की वैल्यू 4 है, इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू 4 है और डिनोमिनेटर की वैल्यू 5 है, तो करना क्या है, बस ऊपर से नीचे ले आके जोड़ देना है वेलोसिटी के टर्म में, यानी s बाई 2, इसमें वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 1/3 km, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि 3/4 km दिया हुआ, तो सॉरी यहाँ पे 1/3 वी मैक्स आएगा, वी मैक्स के टर्म में आएगा, नॉट km के टर्म में, तो ये कंडीशन आपके पास अपीयर हो जाएगी। 3/4 दिया हुआ है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऊपर तो एज इट इज 3 रहेगा, इसको नीचे ला के जोड़े तो 3/7 वी मैक्स, अगर इस कंडीशन में बात करें तो वेलोसिटी 4/ नीचे ला के जोड़े तो 9 वी मैक्स, आपको यही करना है बस कुल मिला जुला के। क्या बोला मैंने कि सबस्ट्रेट कुछ भी दिया हो, अगर सबस्ट्रेट KM के बराबर हो, यानी ये वैल्यू 1/1 है,
क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं होता वो वन बाई वन होता है, तो इसको करेंगे अगर वेलोसिटी में तो ये हो जाएगा वन तो ऊपर रहेगा, नीचे लाओगे तो वन प्लस वन वी मैक्स आ जाएगा, यानी सबस्ट्रेट जब Km के बराबर होता है तो वेलोसिटी वन बाई टू वी मैक्स के बराबर होती है। तो इस तरीके से ये ट्रिक जो है किसी भी वैल्यू के लिए विद इन सेकेंड्स यूज़ करके निकाल सकते हैं, फॉर अगर सबस्ट्रेट दिया है तो वेलोसिटी के टर्म में। अब दूसरा जो तरीका होता है कि आपके पास दैट कि अगर वेलोसिटी दी हुई हो, वेलोसिटी दी हुई हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वी मैक्स के टर्म में, अगर वेलोसिटी ऐसे दी गई हो तो आप सबस्ट्रेट कैसे निकालेंगे Km के टर्म में। तो फर्क वही है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, न्यूमरेटर को नीचे लाना है, डिनोमिनेटर में जोड़ने की बजाय यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट कर देना है, सबस्ट्रेट निकालने के लिए सबस्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रखना, ऐसे सबस्ट्रेट ऐसे सबस्ट्रैक्ट, ये थोड़ा सा राइमिंग होगा। सो ये हो जाएगा आपका इंटू Km। तो ये कंडीशन है, फॉर्मूला देखिए एग्जाम्पल के तौर पर क्या बोला, अगर वेलोसिटी वन बाई टू वी मैक्स दी गई हो जनाब, यानी ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा वन तो ऊपर रहेगा, नीचे लाएंगे तो टू माइनस वन इंटू के एम, दैट विल बी वन बाई वन के एम, यानी कि इट इज इक्वल टू द के एम। अगर वेलोसिटी आपके वन बाई फोर वी मैक्स दी गई हो तो दैट सबस्ट्रेट विल बी वन बाई फोर माइनस वन के एम हो जाएगा, दैट इज वन बाई थ्री के एम हो जाएगा। अगर वेलोसिटी थ्री बाई फोर वी मैक्स दे दी गई हो तो सबस्ट्रेट हो जाएगा थ्री ऊपर एज इट इज, फोर माइनस थ्री दैट विल बी थ्री बाई वन के एम, या यू कैन से थ्री के एम के बराबर हो जाएगा। अगर सबस्ट्रेट फोर बाई फाइव वी मैक्स दे दिया गया तो सबस्ट्रेट वेलोसिटी दे दिया गया तो सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, फोर डिवाइडेड बाई फाइव माइनस फोर इंटू के एम, और वी कैन से फोर के एम। तो ये चीज़ आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। कितना समय लगेगा, मिनटों में लग सकता है जनाब, कुछ भी पूछा आपने फटाफट सॉल्व कर लिया। अगर आपके पास सबस्ट्रेट दिया गया भैया 5 बाई 11 के एम है, क्या वेलोसिटी बता सकते हो वी मैक्स के टर्म में, मैं सीधे सेकंड्स में, देखो 5 बटे जोड़ना है 16, सीधे वेलोसिटी में आपको ऐड करना है, सबस्ट्रेट में सबस्ट्रेट करना है, ये चीज़ होती है। अगर सबस्ट्रेट आपके पास जो दिया हुआ हो वो 11 बाई 33 के एम होगा, सीधे सीधे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 11 बाई 44 वी मैक्स, है कि नहीं, सेकंड्स में, इवन 10 सेकंड भी नहीं लग रहा है आपको, एक सेकंड में आप निकाल सकते हैं। सबस्ट्रेट अगर दिया हुआ हो 3/4 के एम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3/7 वी मैक्स। अगर सबस्ट्रेट दिया हो आपका 5 वी मैक्स तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखिए 5 का मतलब इट इज़ 5/1, क्योंकि ऊपर अगर 5 है तो जहाँ पे नीचे वैल्यू नहीं दिया होता है इसका मतलब ये होता है नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा 5/6 वी मैक्स, राइट। अगर आपके पास सबस्ट्रेट की वैल्यू दी हुई हो 3 के एम, यहाँ पे वी मैक्स नहीं के एम रखे रहिएगा, ठीक है ना, तो ये वैल्यू आपने क्या किया कि ये आपका के एम 3 है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दैट इज़ 3/1, ये हो जाएगा 3/4 वी मैक्स, राइट। इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं आप चाहें तो, बहुत आसानी से। अगर वेलोसिटी के टर्म में दिया हो तो भी वही कर सकते हैं, अगर आपके पास वेलोसिटी 1/4 वी मैक्स दिया हो तो सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, इसको 1/4 माइनस 1 के एम, यानी एक माइनस ऊपर वाले को नीचे ला के माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 1/3। अगर आपका वेलोसिटी 1/3 वी मैक्स दिया हो तो सबस्ट्रेट हो जाएगा के एम बाई 1/2 के एम। अगर वेलोसिटी आपका 4/5 वी मैक्स दिया हो तो सबस्ट्रेट हो जाएगा 4/5 माइनस 4, दैट विल बी 4 के एम। तो इस तरीके से एक सेकेंड में जो है देख के सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी हो जो मैंने आपको बताई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये बताइए कि आप ऐसी ही ट्रिक्स चाहते हैं लाइफ साइंस में जो सेकंड्स में आपके क्वेश्चन सॉल्व करा दे। अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों के साथ, और फटाफट जो है लर्न करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अगर पूरा करना हो CSIR का सपना तो मेहनत से बढ़कर कोई संकल्प नहीं, जब बात हो बेस्ट तैयारी की तो अनअकैडमी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। अनअकैडमी का एक टॉप एजुकेटर जिसे वीरेंद्र सिंह के नाम से जानते हैं
अपने स्मार्ट टीचिंग से वो कईयों के सपने पूरे कराते हैं। जुड़िए अनएकेडमी के साथ और ले जाइए अपना CSIR अपने साथ। देखिए वीरेन सर की फ्री क्लासेस, अपनी तैयारी आजमाने के लिए और यूज करिए रिफरल कोड वीरेन 10% डिस्काउंट पाने के लिए।